नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट टीम। न्यूज मार्केट टीम में आपका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है पद्मावती। पद्मावती संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित यह फिल्म पद्मावती का ट्रेलर आज यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि यह राजपूतों को लेकर विवादित रह चुकी है, इस फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में हैं दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह। इस फिल्म में जहां शाहिद कपूर को बड़ा ही चार्मिंग रोल में दिखाया गया है, वहीं रणवीर सिंह को काफ़ी ही खतरनाक अंदाज में दिखाया जा रहा है। जी हाँ, ये बात सही है कि अगर जो हीरो को अच्छा और चार्मिंग दिखाना है तो खलनायक को भी वहाँ पर सबसे खतरनाक रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसी पैटर्न पर चलते हुए हमको लग रहा है कि संजय लीला भंसाली ने यह कारनामा कर दिखाया है। यहाँ राजपूतों के बीच जो किला है, किलों की सजावट और भव्य सेट देख करके तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें काफ़ी रुपए पैसे खर्च हुए होंगे। राज्य रजवाड़ों की कहानी पर बनी यह फिल्म अपनी भव्यता के लिए भी जानी जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसमें रणबीर कपूर राजा रावल रतन सिंह व दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती के बीच के प्रेम प्रसंग को भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी यानी कि रणबीर सिंह की, तो उन्हें खतरनाक अंदाज में दिखाया गया है, लेकिन ट्रेलर में कहीं भी अलाउद्दीन खिलजी यानी कि रणबीर सिंह के कोई डायलॉग्स नहीं है। शाहिद कपूर के जो भी डायलॉग्स हैं वो भी राजपूतों के आन बान और सम्मान को महत्व देते हैं, और वहीं अगर जो दीपिका पादुकोण के डायलॉग्स जो ट्रेलर में दिखाए गए हैं उसको अगर जो देख करके कहा जाए तो वो भी राजपूतों के आन बान शान की वकालत करते हैं। फिर ये विवाद कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह हुआ, ये बात की बात है। अब फिल्म में क्या होता है, पूरी फिल्म तो हम लोगों ने अभी नहीं देखा, अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है। यह फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और एडवांस में अपनी टिकट बुक कराने की लालसा जागृत हो रही होगी। अगर ऐसी लालसा जागृत हो रही है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि फिल्म में भव्यता है, राजदूतों की आन बान शान है, अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता और रणबीर सिंह की बेहतरीन एक्टिंग, शाहिद कपूर की चार्मिंग और दीपिका पादुकोण का प्यार भी सम्मिलित है। इसमें राजपूतों के आन बान शान का भी ख्याल रखा गया है। शायद यह विरोध का ही परिणाम है, या फिर कुछ और कहें, या फिर उस कहानी का प्लाट है, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बात संजय लीला भंसाली से अधिक कोई नहीं जानता। इस फिल्म को देखने की उत्सुकता आपके अंदर जग गई होगी, वो अभी तो ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर भी आने दीजिए, इसके बाद दिसंबर यानी 1 दिसंबर को यह सिनेमा घरों में आ जाएगी, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी, तब तक इस ट्रेलर से ही संतोष करिए। नमस्कार।